तोशु के वजह से किंजल के साथ गुंडों ने बदतमीजी की है। तोशु के वजह से किंजल जो है मुसीबत में फंस चुकी है। तो क्या है पूरी डिटेल, आइए जानते हैं। आज के अनुपमा सीरियल के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से तोशु के वजह से किंजल अब आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। तोशु चोरी किया और पुलिस के डर से वो वहां से भाग गया वनराज के कहने पे। अब गुंडे जो है किंजल के पास आ गए हैं, यानी कि तोशु के घर में घुस आए हैं और किंजल को मुंह में पट्टी बांधकर बंदूक दिखाकर उसे डरा कर धमका कर गया है। गुंडों ने यह कहा है कि अगर उनके पैसे नहीं मिले तो वो परी को उठा लेने वाला है। तो आपको बता दें कि तोशु को वनराज ने भगाया है, तो वही अनुपमा भी तोशु के लौटने का वेट कर रही है। अब अगर तोशु लौट भी जाए तो क्या गुंडे को पैसा थोड़ी ना तोशु आते ही दे देने वाला है। तोशु ऐसा तो नहीं कि कहीं पैसा अरेंज करने गया है, तोशु भागा हुआ है। तो अब देखते हैं कि अनुपमा ने प्लान बनाया है तोशु को वापस लाने का। तो अनुपमा के जो प्लान है उसमें तोशु फंसता है या नहीं, क्योंकि तोशु बहुत चालाक है और वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है वो इतने। लेकिन हाँ ये है कि तोशु अपनी बीवी और अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो अगर तोशु को पता चलता है कि किंजल पे उस गुंडे ने अटैक किया था और परी को ले जाने की धमकी दी थी, तो कहीं ना कहीं तोशु वापस आ जाएगा। लेकिन तोशु के वजह से एक बार फिर से किंजल पे मुसीबत का पहाड़ टूटा है। किंजल प्रॉब्लम में पड़ी है, कुछ भी हो सकता था, गुंडे किंजल पे गोली भी चला सकते थे। वेल, अब देखते हैं कि अनुपमा किस तरह से तोशु को बुलाती है। लेकिन इस पे आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो